गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 जो कि मंडे में आएगी और जिसकी डेट 14 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको समझाऊंगी और इसमें कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको सॉल्व कराऊंगी। तो बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर आया है फेयर प्ले, तो इसके बारे में है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जनरल क्वेश्चन हैं, और फिर हमारा चैप्टर से एक पैसेज आया है और फिर देन क्वेश्चंस आए हैं। चलिए सबसे पहले हम रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हम पहले कुछ इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है। बच्चों, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, चाहे गीता, मीता, सीता, मोहन, जो भी है, उसका नाम लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड में सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है, क्यों उसको आप लाइक करते हो, क्यों, बिकॉज शी इज ओबीडियंट, वह आज्ञाकारी है ना। और आप शी इज हार्ड वर्किंग भी लिख सकते हैं, शी हेल्प्स यू भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वो लिख देना। फिर पूछा गया है वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लीव, आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ रहती है। चलिए बताइए, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड यमुना विहार रहती है तो आप लिखना यमुना विहार दिल्ली, राइट बच्चों। उसके बाद पूछा गया है व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट, आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या खाना पसंद है, बताइए, उसको डोसा खाना पसंद है तो डोसा लिखिए, और उसको फिर पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो आप उसकी चॉइस के अनुसार पिज़्ज़ा लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फेवरेट सब्जेक्ट, आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चों लिख दो, अगर साइंस अच्छा लगता है तो साइंस, इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश, तो बच्चों लिख दिया मैंने इंग्लिश, आप अपने हिसाब से देख लेना ये। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एक पैसेज दिया गया है फेयर प्ले से हमें, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। देखो ये रहा जुम्मन चौधरी और अलगू, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड फ्रेंडशिप दैट वेन अदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, उनका फ्रेंडशिप मित्रता का बंधन इतना स्ट्रांग था कि अगर उनमें से कोई भी एक गांव से दूर चला जाता था तो द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल करता था अब्सेंस में, है ना। बाई चांस जुम्मन शेख कहीं गांव से बाहर चला गया तो अलगू चौधरी उसकी फैमिली को देखता था, अलगू चला गया तो जुम्मन शेख उसकी फैमिली को देखा करता था, मतलब फैमिली को परेशानी नहीं होती थी एक के जाने के बाद। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों का ही सम्मान किया जाता था गाँव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन की एक बूढ़ी दादी थी, आंट थी, जो जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग डैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और उसने वो संपत्ति उसको दे दी थी जुम्मन को, और लेकिन उसके पीछे एक शर्त रखी थी कि शी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ रहेगी, ओल्ड लेडी ओल्ड आंट उनके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी देखभाल किया करेगा। तो इस शर्त के चलते जो जुम्मन की आंट थी उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी थी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट था ना कि जुम्मन ने कुछ दिनों के लिए तो कुछ सालों के लिए तो अच्छी अपनी आंट की देखरेख की, सेवा की उनकी, देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद परिस्थिति बदल गई थी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, और जुम्मन और उसकी फैमिली है ना बहुत ही परेशान हो गए थे इस रिश्ते से। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुम्मन भी इतना ही परेशान हो गया था अपनी दादी अपनी आंट से जितनी कि उसकी वाइफ, हु ग्रडिड इवन द लिटिल फूड डैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, और यहाँ तक कि जो कि बूढ़ी जो लेडी थी वो हर दिन फूड की रिक्वायर करती थी, वो भी उसको इतना खाने के लिए भी नहीं देते थे। सी स्वेलोड दिस इंसल्ट अप अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स, और वो जो ओल्ड आंट थी वो इस इंसल्ट को इस खाने के साथ कुछ महीनों तक तो बर्दाश्त करती रही, पेशेंस की भी लेकिन एक लिमिट होती है। उसके बाद बच्चों आगे चैप्टर है वो हम देखेंगे। तो इसी तरह से है बच्चों कि जुम्मन कुछ दिन तक तो कुछ सालों तक तो अपनी आंट की सेवा करता है पैसों के लिए, लेकिन बाद में जुम्मन और उसकी वाइफ को वह रिश्ता इतना परेशान करने लगता है कि वो उसे रोज का खाना भी नहीं दे पाते।
नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। देखो फर्स्ट में हम क्या भरेंगे, वर गुड फ्रेंड्स कौन कौन थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ही थे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, बच्चों पहले में लिख लेना आप जुम्मन शेख, पूरा नाम लिख लेना है यहाँ से, और यहाँ पर लिख लेना आप अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन हैड, जुम्मन के पास क्या थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, एक बूढ़ी आंट थी है ना, एन ओल्ड आंट, ये आ जाएगा बच्चों आपका बी में। सी में भरेंगे जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ, सी में हम भरेंगे वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। फोर्थ डी में भरेंगे जुम्मन एंड हिज फैमिली, ये रहा फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स, जुम्मन आंट स्वेल्ड द इंसल्ट, ई में भरेंगे बच्चों हम पहले तो इंसल्ट, क्योंकि उस इंसल्ट को बर्दाश्त करती रही, स्वेलो करती रही, निगलती रही अलोंग विद हर फूड, ठीक है, तो ये भी हमारा ई में ही आ जाएगा। फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, कहाँ तक बर्दाश्त करती वो, उसके आगे हम पढ़ेंगे आगे वाली वर्कशीट में। तो इस तरह से बच्चों आज की हमने इजी वर्कशीट नंबर 22 जो कि क्लास 6 के लिए थी, 14 दिसंबर की थी, हमने अच्छे से समझ लिए हैं बच्चों। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जो भी मैं वर्कशीट जब भी बनाऊँ आप उसका बेनिफिट ले सकें, आप उसको मिस ना कर सकें। थैंक यू।